मीरा रोड जैसा शांत इलाका आखिर क्यों सुलग उठा, क्यों दंगों की पृष्ठभूमि बनी? ये चित्र में जो भाई आपको दिख रहे हैं, इन्होंने कहा ये मुंबई है, यूपी नहीं है। और उन्होंने बाकायदा ये दिखा भी दिया कि ये मुंबई है और ये नया नगर है। हम यहाँ पर राम के नाम के नारे नहीं लगने देंगे, हम झंडे नहीं लगने देंगे। ये थी शुरुआत जो राम भक्तों के साथ हुई। पलट में राम भक्तों ने, जो राम भक्त कहे जाते हैं, क्या ये वाकई राम भक्त हैं, उन्होंने क्या किया? एक्शन पर रिएक्शन। तुरंत शहर में ये माहौल बना कि दंगे की चर्चा हो गई पूरे विश्व में कि मीरा रोड में दंगा हो चुका है। फिर यही बात नहीं रुकी, स्थानीय नेताओं ने आनंद फानंद में ये बताने की बिल्कुल पूरी कोशिश की, पुरजोर कोशिश की कि हाँ वाकई में ये यूपी तो नहीं है, लेकिन यूपी से जरा भी कम नहीं है। ये तोड़क कार्रवाई तुरंत शुरू कर दी गई। क्या ये मात्र संयोग है कि नेताओं के बोलते ही ये तोड़क कार्रवाई शुरू हो गई? आइए सुनते हैं नेताओं ने क्या कहा जो वहाँ आए हुए थे। इन झंडों को उतार के उन्होंने फेंका है, उसकी लाठियों से उनको ठोकना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। पर हमें विश्वास है लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेना। अगर ये एक आध दो दिन के अंदर हमें रिजल्ट नहीं दिखता है तो भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका इस शहर में, जी हाँ, कोई 15 मिनट मांग रहा है, कोई 10 मिनट मांग रहा है, तो हम तो इतनी तादाद में, हमें तो 5 ही मिनट काफी है, 5 मिनट दे दो। गीता जैन कहती है, कोई कहता है 10 मिनट, कोई कहता है 15 मिनट। ये 10 मिनट और 15 मिनट का वीडियो भी सामने लेके आए, और उसके सामने जिसने 10-15 मिनट की बात कही है उस पर भी मुकदमा दर्ज हो और गीता जैन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, जबकि गीता जैन ये कहती है हमें 5 मिनट दे दो। ऐसा वक्तव्य करना बिल्कुल नाजायज है, ऐसा वक्तव्य उन्होंने नहीं करना चाहिए था, हमारी ऐसी मांग है। और अगर ऐसा वक्तव्य कोई होता है और ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर तैयार होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? यही लोग रहेंगे ना। अगर जिन्होंने भी ऐसा कोई वक्तव्य किया है, भड़काने की कोशिश की है, तो उन पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। ये भी मैं हमारे आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर की तरफ से मैं सीपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने भी ये ऐसा वक्तव्य किया है और दंगे भड़काने की कोशिश की है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी पाया गया है वीडियोस में, भले वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो या कोई भी कम्युनिटी का हो, सब पे एक्शन होना चाहिए, गुनहगार है। बाकी सब पे एक्शन होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, विधायक हो या कोई पदाधिकारी हो, जिन्होंने भी, जैसे शिंदे साहब ने बताया कि जो लोग ने भी ये आग में घी डालने का काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि उनको सबक जाए कि आइंदा ऐसी का। सिया राम जी के पवित्र स्थापना दिन के बाद में यहाँ पे जो घटना हुई और उस घटना के बाद में जो प्रतिक्रिया आने लगी, स्थानिक पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो पदाधिकारी है या सभी बहुत सारे लोगों के जो रिएक्शन आई, उसमें से कुछ रिएक्शंस बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल थे। जो जो लोगों ने इस दंगा भड़काने के लिए जो रिएक्शन दिए हैं, जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, वक्तव्य किया है, उसका हम कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। उनके ऊपर पुलिस ने कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। लेकिन जनता ने जिनको चुन के दिया, वो भारतीय जनता पक्ष की जो विधायक है जैन मैडम, उन्होंने बहुत ही भड़काऊ वक्तव्य करने के कारण यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो पैदा हो सकती थी, इसका भी हम निषेध करते हैं। और अभी पुलिस कमिश्नर को हम यहाँ पे मिलने के लिए आए, हमने निवेदन दिया है कि पुलिस ने काफ़ी अच्छी तरह से ये पूरी परिस्थिति का हैंडल किया, लेकिन MLA ने जो भड़काऊ भाषण दिया है, इसके लिए सेक्शन 153 के अंतर्गत उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। आप सीपी साहब को क्या ज्ञापन देने वाले? हमने सीपी साहब को समय मांगा था, उन्होंने रुकने के लिए कहा है। मुख्यतः ये जो परिस्थिति पुलिस ने जो अच्छी तरह से हैंडल की, इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं। और जिन जिन लोगों ने, सिर्फ गीता जैन मैडम ही नहीं, बल्कि जिन जिन लोगों ने दंगा भड़काने के लिए जो वक्तव्य किए हैं, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस केसेस होनी चाहिए। हमने कुछ ऐसे वीडियोस हमारे साथ सामने आए हैं, कुछ लोगों ने बंदूक भी साथ में थी उनके हाथ में, और उस बंदूक भी दिखाई गई, वो भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। उस घटना के ऊपर भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके गुनाह दाखिल करना चाहिए, और
इस पूरी प्रक्रिया में हमारे पास जो भी जानकारी आई है, लोगों के पास जो भी जानकारी है, पत्रकारों के पास जो भी जानकारी है, वो जानकारी पुलिस को उपलब्ध की गई है। आम आदमी पार्टी सदैव संवैधानिक मार्ग से काम करती है और देश में भाईचारा रहना चाहिए, उस दिशा में हम काम करते हैं। पुलिस को जो भी मदद चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, उसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ता तैयार रहेंगे, यही हम उनके विनंती करेंगे। गनीमत रही कि समय रहते ही इस आग को बुझा दिया गया, वरना परिणाम बहुत भयंकर आते। इसके लिए स्थानीय पत्रकार और पुलिस की जितनी सराहना की जाए वो कम है। उन्होंने एक छत के नीचे सारे नेताओं को इकट्ठा कर शांति बहाल की अपील की और वो सफल हुई। नतीजा ये, यहाँ की जो आग सुलग रही थी वो शांत हो गई। लेकिन स्थानीय आम आदमी पार्टी और महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष धनंजय शिंदे ने अपने एक ज्ञापन के साथ सीपी से मुलाकात कर यह बात कहने की कोशिश की, अगर दंगाइयों पर कार्रवाई होती है और अगर कोई गुंडे, बदमाश या कोई पार्टी के बैनर तले कोई इस तरीके की हरकतें कर रहा है जिससे शहर की शांति भंग हो रही है, उन पर कार्रवाई हो रही है, जो पुलिस ने की, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने इसको अंकुश लगाया और इसे रोकने में सफलता पाई, तो आम आदमी पार्टी की मांग थी अगर एक जनरल इंसान, जनरल गुंडों बदमाशों पर कार्रवाई होती है तो जो नेता इस आग को भड़का रहे थे, इसमें घी डाल रहे थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, उन्हें क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर के पदाधिकारी और महाराष्ट्र उपाध्यक्ष धनंजय शिंदे की इस अपील के बाद सीपी साहब क्या एक्शन लेते हैं, क्या रिएक्शन आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल एमबी न्यूज के लिए मैं राजेश शर्मा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।